किसान भाइयों नमस्कार, मैं मनोज शुक्ला आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, यदि आप गन्ना किसान हैं, आपका गन्ने का सट्टा बना हुआ है और आपको अपने गन्ने की आपूर्ति करने में या आपके गन्ने के सट्टे के संबंध में किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप इसके लिए क्या करें जिससे आपकी समस्या का त्वरित निस्तारण हो सके। किसान भाइयों, मैं सदैव प्रयासरत रहता हूं कि हमारे किसान भाइयों के सामने अगर कोई भी समस्याएं आ रही हैं या आने वाली हैं, तो उसको निस्तारित करने के लिए, उस समस्या का निराकरण करने के लिए मैं उस विषय पर वीडियो बनाऊं जो हमारे किसान भाइयों के लिए लाभकारी हो और उनकी समस्याओं का निराकरण हो। इसके साथ किसान भाइयों, अब अपने मुख्य विषय पर आते हैं। किसान भाइयों, यदि आपको गन्ना सट्टा संबंधी कोई समस्या है, गन्ना के सर्वे के संबंध में कोई समस्या है, या आपके गन्ने की पर्ची यानी सप्लाई टिकट आने में कोई समस्या है, यदि आपकी पर्चियां कम बनाई गई हैं, यदि आपने गन्ना क्षेत्रफल बढ़ाया है और उसका अतिरिक्त गन्ना कैलेंडर नहीं जारी किया गया है, जो भी महत्वपूर्ण समस्याएं व विषय हैं, उसके लिए, उसके निदान के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है। पहला पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगा संक्षेप में कि आपको गूगल पर जाकर KNUP लिखकर गूगल पर आपको सर्च कर देना है, और KNUP सर्च करने के बाद आपके सामने एक KNUP इंक्वायरी का पेज खुलकर आएगा, रिजल्ट आएगा। आप उसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने गन्ना विभाग का पेज खुलकर आ जाएगा। उस पेज पर सबसे पहले आप अपना जिला सेलेक्ट कर लेंगे, फिर जिले के बाद आप अपना शुगर फैक्ट्री सेलेक्ट करेंगे। शुगर फैक्ट्री सेलेक्ट करने के बाद अपना आप विलेज कोड से गांव ग्राम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ग्रोवर नेम यानी आप अपना नाम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जब आप ओपन करेंगे तो उसमें एक फाइल कंप्लेंट का एक विकल्प आता है, और आप फाइल कंप्लेंट के विकल्प को जब टच करेंगे तो कंप्लेंट बॉक्स खुल जाएगा। तो आप उसमें जाकर आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और उसमें आपको ई गन्ना ऐप EGANNA आप लिखेंगे, ई गन्ना ऐप जो है लिखकर आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उस ऐप पर भी जब आप अपना डिस्ट्रिक्ट नेम और ग्राम का नाम, फैक्ट्री नाम और ग्रोअर यानी किसान का नाम जब आप सेलेक्ट करके सेव कर लेंगे, तो उसमें भी शिकायत का ऑप्शन आता है। उसमें भी जाकर आप अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। अगर आप ये कर देंगे तो मुझे आशा है कि आपकी समस्या का निराकरण होगा। और एक इसके अलावा एक विकल्प और है, अगर इस पर भी सुनवाई नहीं होती है तो आप कृपया जन सुनवाई पोर्टल, एक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जन सुनवाई पोर्टल बनाया गया है, आप उससे सीधे, ये मुख्यमंत्री का पोर्टल है, लेकिन आप उस पर जो भी शिकायत करेंगे मुख्यमंत्री पोर्टल की मानी जाएगी, लेकिन वो शिकायत संबंधित अधिकारी को जाती है। संबंधित अधिकारी में आप जिला गन्ना अधिकारी सिलेक्ट करेंगे। इस विषय को, इस पॉइंट को किसान भाई आप मत भूलिएगा। उसमें जब सब्जेक्ट आएगा तो आप जो है चीनी एवं उद्योग गन्ना विभाग का जो ऑप्शन आता है वही सिलेक्ट करेंगे। जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपकी शिकायत जो है सीधा जिला गन्ना अधिकारी को जाएगी, और आपके शिकायत में क्या क्या कार्यवाहियाँ हुई वो सब आप प्रिंट आउट कराकर देख सकते हैं। भाइयों, मैं आपसे स्पेशली इस बारे में कहना चाहूँगा, किसी भी जनसेवा केंद्र से अथवा किसी भी साइबर कैफे जहाँ इंटरनेट चलता हो, कंप्यूटर लगा हो, कहीं से भी
आप केवल अपना मोबाइल नंबर देकर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और आप अपनी समस्या का निराकरण करा सकते हैं। भाइयों, मुझे आशा एवं विश्वास है कि इससे आपको अवश्य कुछ न कुछ मदद अवश्य मिलेगी। और इसके साथ अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ, फिर मिलूँगा किसी अगले वीडियो में जो आपके लिए आवश्यक हो। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।